बच्चों कैसे हो। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बिल्डिंग विथ ब्रिक। बच्चों इस चैप्टर में हमें 2D शेप्स और 3D शेप्स के बारे में पढ़ना है। बच्चों अब हम जानेंगे कि 2D और 3D शेप्स होती क्या है। इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि 2D शेप क्या होती है। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, वह 2D शेप का है, और उसी के साथ ही साथ जो दूसरा पिक्चर दिखाई दे रहा है वह 3D शेप्स का है। बच्चों अब हम कुछ 2D शेप्स के एग्जांपल देखते हैं। आपको जैसा दिखाई दे रहा होगा, सर्कल्स, स्क्वायर्स, ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल, ऑक्टागन एंड ओवल्स कुछ एग्जांपल है 2D शेप। बच्चों कुछ और 2D शेप्स के हम एग्जांपल देखते हैं जिसमें कि हमें सर्कल, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ओवल एंड डायमंड शेप्स दिखाई दे रहे हैं। बच्चों यहाँ हम जो एग्जांपल देख रहे हैं वो बेसिक्स 2D शेप्स के एग्जांपल है। बच्चों यहाँ पर कुछ 2D शेप्स के एग्जांपल और दिए जा रहे हैं, आप इन्हें देखिए और पहचानने की कोशिश कीजिए कि कौन कौन सी 2D शेप्स यहाँ दिखाई दे रही है। बच्चों अब हम कुछ 3D शेप्स के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ 3D शेप्स बनी हुई हैं। हम एक एक करके इनका नाम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली जो शेप दिखाई दे रही है उसका नाम है रेक्टेंगुलर प्रिज्म। दूसरी शेप जो है वो स्फीयर है। थर्ड शेप क्यूब की बनी हुई है। फोर्थ शेप बनी हुई है कोन की। फिफ्थ शेप बनी हुई है पिरामिड की। सिक्स वाली जो शेप्स है वो ट्रायंगुलर प्रिज्म की बनी हुई है। और लास्ट में जो शेप्स बनी हुई है वो सिलेंडर की शेप्स है। बच्चों अब हम जान लेते हैं कि 2D और 3D शेप्स आखिर होती क्या हैं। ये जानने के पहले हमने अभी तक 2D और 3D शेप्स के काफ़ी एग्जांपल देख लिए हैं। अब हमें इन 2D और 3D शेप्स के बेसिक डिफरेंस के बारे में जानना होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि 2D शेप्स होती क्या हैं। जैसे कि हम इसे 2D शेप्स कहते हैं तो यहाँ पर D मीन्स होता है डाइमेंशनल और 2 मीन्स होता है 2। तो यदि जिस शेप में 2 डायमेंशनल होते हैं वो 2D शेप कहलाती है। अब डायमेंशनल होते क्या है, तो 2 डायमेंशनल या तो लेंथ और हाइट हो सकती है या लेंथ या ब्रेथ हो सकती है। उसी प्रकार हम 3D शेप्स के नाम को देखते हैं, यहाँ पर भी D मीन्स डायमेंशनल होता है, लेकिन यहाँ पर हमें 3 डायमेंशनल के बारे में पढ़ना है। तो 3 डायमेंशन में कौन कौन से डायमेंशनल होंगे, लेंथ हो सकती है, ब्रिथ हो सकती है और हाइट हो सकती है। तो बच्चों 2D शेप मीन्स 2 डायमेंशनल शेप्स और 3D शेप्स मीन्स 3 डायमेंशनल शेप्स। पहला अंतर तो ये हो गया। अब हम आते हैं कि इसमें दूसरा अंतर क्या हो सकता है। तो बच्चों दूसरा अंतर ये है कि 2D शेप्स को हम किसी भी प्लेन सतह पर बना सकते हैं। आपके ब्लैक बोर्ड पर, आपकी नोटबुक पर हम जो शेप बनाते हैं वो 2D शेप्स होती है, और जो 3D शेप्स होती है उसे हम हाथ में ले सकते हैं, छू सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इस प्रकार दूसरा अंतर ये हो गया कि 2D शेप जो है किसी भी प्लेन सतह पर ही बनाई जा सकती है, और जो 3D शेप्स हैं वो हम हाथ में उठा सकते हैं, उसे छू कर देख सकते हैं। बच्चों 2D शेप्स के कुछ एग्जांपल हमने पहले भी देख लिए हैं, हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। 2D शेप्स के एग्जांपल हैं सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पेंटागन। उसी प्रकार 3D शेप्स के कुछ एग्जांपल हमने पहले भी देख लिया है, हम यहाँ पर
एक बार और उनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिलेंडर, पिरामिड, क्यूब और प्रिज्म जो है 3D शेप्स के एग्जाम्पल हैं।